बांग्लादेश में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर निकल गई। हसीना ने हाल ही में एक महीने के भीतर भारत के दो बार दौरे किए थे और इसके बाद उन्होंने चीन की यात्रा की थी। चीन की यात्रा उन्होंने बीच में क्यों छोड़ी थी, क्या उस वक्त ही उन्हें संकेत मिल गए थे? आज के घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि उन्हें छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण ही अपना बीजिंग दौरा छोड़ना पड़ा था। चीन दौरे से लौटने के बाद शेख हसीना ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि तिस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती थी कि इस परियोजना को पूरा भारत करे। हमेशा हसीना चीन दौरे पर जाती रही हैं, लेकिन हमेशा से वो उनका झुकाव भारत की तरफ रहा है। तिस्ता परियोजना, आरक्षण विरोधी आंदोलन, सरकार में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की पेंशन और पेपर लीक से जुड़े सवाल उनसे पूछे गए थे। $1 अरब की तिस्ता नदी विकास परियोजना से भारत की सुरक्षा की चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। हसीना ने 10 जुलाई को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी चीनी समकक्ष ली किया से मुलाकात की थी। दोनों देशों ने 21 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिसमें 3 नए समझौते ज्ञापन भी शामिल थे, यानी MOU भी उस पर शामिल साइन हुआ था। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश संवाद संघस्था यानी BSS के मुताबिक इस यात्रा में बीजिंग और ढाका ने अपने रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाया था। BSS के मुताबिक दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद हसीना और ली की मौजूदगी में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। हसीना और ली द्विपक्षीय वार्ता में रोहिंग्या मुद्दे, व्यापार और वाणिज्य, निवेश और देशों के बीच जो संबंध थे उस पर चर्चा करती हुई दिखाई पड़ी थी। दोनों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी चर्चा की थी। हसीना कथित तौर पर ऐसा कहा गया कि 11 जुलाई की सुबह बीजिंग के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन 10 जुलाई की रात ही रवाना हुई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में हसीना की यह 5वीं और 5 साल में पहली चीनी यात्रा थी। हालांकि बीजिंग दौरे से जल्दी वापसी से संकेत मिल गया कि उन्होंने वो दौरा इसलिए छोड़ा क्योंकि देश में स्थिति ठीक नहीं। हालांकि हसीना ने अपनी बेटी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था और चीन से जल्दी वापस लौट आई थी, लेकिन इसके मायने कई सारे निकले। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा चीन ढाका को $1 अरब की आर्थिक मदद प्रदान करेगा। ली ने हसीना से मुलाकात के दौरान यह घोषणा की थी। हालांकि ढाका और अधिक मदद की उम्मीद कर रहा था। हसीना के चीन दौरे से पहले बीजिंग ने ढाका को $5 अरब की ऋण सहायता का वादा किया था, लेकिन हसीना की यात्रा के दौरान सिर्फ $1 अरब पैकेज की बात की गई। बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था जिस पर लगातार बवाल हो रहा है और इसीलिए शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान था, जो कि 1972 से लागू था। 1972 में शुरू की गई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से कोई बदलाव नहीं हुए। हालांकि बीच बीच में कुछ चेंजेस जरूर दिखाई पड़े, लेकिन वो वैसे नहीं दिखाई पड़े। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। समय समय पर हुए बदलावों के जरिए महिलाओं और पिछड़े जिलों के लोगों को 10-10% आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसी तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1 दिव्यांग कोटे को दिया गया। हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अधिकतर आरक्षण खत्म कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश झुलसने लगा, तपने लगा, जलने लगा और यहां विरोध के स्वर दिखाई देने लगे। और उसी बीच चीन का दौरा शेख हसीना को छोड़कर वापस आना पड़ा। हालांकि उन्होंने हवाला जरूर यह दिया कि उनकी बेटी की तबीयत नहीं ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है और इसकी जो बड़ी खबर वो यही है कि शेख हसीना फिलहाल देश छोड़ चुकी हैं। सेना की तरफ से ये ऐलान हो चुका है कि अंतरिम सरकार बनेगी, सभी दलों के साथ बनेगी। देखना यह है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की ये जो आग है, ये तपिश है, ये कब शांत होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।